में कड़ी धूप में बगैर खाए पिए पैदल अपने गांव की ओर चल रहे हैं। ये लोग देश भर से आ रहे हैं, कोई गुजरात से आ रहा है। कल मैंने एक वीडियो देखा, एक लड़का जम्मू कश्मीर से चलकर सहारनपुर तक आ रहा गया और उसको आगे बिहार तक जाना था। इसी तरह से आप सबने देखा कि कई बहनें गर्भवती हैं, गर्भवती होते हुए 6 घंटे 8 घंटे कड़ी कड़ी धूप में चल रही हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को गोद में लेके जा रहे हैं, कुछ टूटी हुई साइकिलों पर जा रहे हैं। एक और वीडियो मैंने देखा कि एक दादी दादा अपने पोती पोतों को उठाकर, इस तरह से दादाजी उनको उठाकर एक झूला सा बनाया था उसमें उनको रख के उठाकर चल रहे थे। अब हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ये सिर्फ भारत के लोग नहीं हैं, ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी हैं, जिन्होंने ये इमारतें बनाई जिनमें हम रह रहे हैं, जिनके खून और पसीनों से ये देश चलता है। हम सबकी जिम्मेदारी है इनके प्रति, मेरी है, आपकी है, सरकार की है, हर राजनीतिक दल की है। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। बहुत ही स्पष्ट हूँ कि हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक परहेजों को दूर करते हुए सकारात्मक भाव से, सेवा भाव से लोगों की मदद में शामिल हों। तो उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी है, इसी भावना को लेकर जैसे ही लॉकडाउन का की अनाउंसमेंट हुई, उसके अगले दिन हमने हर जिले में वॉलंटियर ग्रुप बनाए जिसको हमने कांग्रेस के सिपाही का नाम दिया। इन वॉलंटियर ग्रुप्स के जरिए हमने हेल्पलाइन जारी करी हर जिले में और दिन रात हम खाना राशन बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने सांझी रसोईयां खोली, उसके अलावा हमने हाईवे के टास्क फोर्स बनवाए जो हाईवे पे जो चल रहे हैं उनकी मदद के लिए है। तो तमाम ऐसे कार्य हमारे बड़े से बड़े लीडर और हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता अपने ही साधनों से ये काम दिन रात कर रहे हैं और इस काम के जरिए हमने अब तक 67 लाख लोगों की मदद की है। उसमें से 60 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में ही हैं और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर फंसे हुए थे, जिनको खाना राशन की जरूरत थी और जिनका वापस आने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हमारी एक सेंट्रल हेल्पलाइन भी है, उसके जरिए भी हम लगातार दिन रात कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो हम मदद करना चाह रहे हैं, हमारी भावना शुरू से सकारात्मक रही है और सेवा का भाव हो रहा है। इसी भाव से हमने अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को दिए और सकारात्मक रूप से ही दिए कि देखिए आपको ठीक लगे तो आप ये चीजें कर लीजिए। जहां जहां हमें लगा कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमने उनकी तारीफ भी की, हमने उसका स्वागत किया, उन कदमों का स्वागत भी किया। कुछ समय से हम कह रहे थे कि यूपी रोडवेज की जो बसें हैं उनको प्रवासी भाई बहनों के लिए उपलब्ध करा दीजिए ताकि उनको जो जो पैदल चल रहे हैं वो बसों में बैठकर सुरक्षा मतलब बसों में बैठकर सुरक्षित तरह से अपने घर गांव पहुंच पाए। तो हम काफी समय से ये सुझाव दे रहे थे, ये मांग कर रहे थे। जब एक दिन कई हादसे हुए, कई एक्सीडेंट हुए और हमने देखा कि यूपी की रोडवेज की जो बसें हैं वो अभी भी सक्रिय नहीं हुई हैं, तो हमने एक मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी कि हम हजार बस को उपलब्ध करेंगे, गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर हम इन बसों को रोक देंगे और आप अगर अनुमति देंगे इसके संचालन के लिए तो जो प्रवासी भाई बहन दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठाकर अपने घर तक पहुंचा देंगे। तो अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि यूपी रोडवेज की 12,000 बसें हैं, इन्हीं का इस्तेमाल होगा और आपकी बसों की जरूरत नहीं है। तो हमने 17 तारीख को सुबह 500 बसें गाजियाबाद में खड़ी की थी, हमने उनको वापस भेज दिया। अगले दिन उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी लिस्ट दे दीजिए और 1,000 बस की आप लिस्ट दे दीजिए, उसमें चालक का नाम होना चाहिए, परिचालक का नाम होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आदि होना चाहिए, ये हमारे पास पहुंचा दीजिए। तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने हमें अनुमति दी है बसों को चलाने के लिए, आपको हम लिस्ट उपलब्ध कर देंगे। तो 4-5 घंटों बाद हमने वह लिस्ट उपलब्ध कर दी।
फिर 11:30 बजे रात को उनसे एक और चिट्ठी मिली कि आप अपनी 1000 बसें लखनऊ पहुंचा दीजिए कल सुबह 10 बजे। तो इसमें हमने कहा कि देखिए, हमारी बसें खाली दिल्ली से लखनऊ जाएंगी। इन बसों का मकसद ही ये था कि गाजियाबाद और नोएडा से, NCR क्षेत्र से जो चल के जा रहे हैं उनको हम बिठाकर उत्तर प्रदेश के गांव और जिलों में ले जाएं। तो इन बसों का लखनऊ तक खाली चलना तो पूरे मकसद को ही खत्म कर देता है। तो हमने उनसे ये सुझाव दिया कि देखिए, हम गाजियाबाद नोएडा में इन बसों को तैयार रख लेंगे, आप परमिट दे दीजिएगा। फिर ये पूरा राजनीतिक सिलसिला शुरू हुआ कि आप हमें परमिट दे रहे हैं, लिस्ट लिस्ट दे रहे हैं, लिस्ट में कुछ गलत नाम है, जो भी है। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती और मैं सरकार पर सवाल भी नहीं उठाना चाहती। अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसी ऐसे नंबर हैं जो गलत हैं, कोई बात नहीं, उन नंबर उन हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 16-17 तारीख को 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुंच जाते। कल हमने 900 बसें, 500 बसें राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसें, जिनकी पूरी टोटल संख्या 900 के करीब थी, हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्ध कराए। अब अगर ये बसें चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षापूर्ण रवाना हो जाते। लेकिन हम इस राजनीतिक सिलसिले में उलझे रहे। उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है, कुछ ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम बसें हमारी पहुंच गई हैं, कल 4 बजे से हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी थी। उनको आगे परमिट यूपी के, जहां पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हमें गाजियाबाद और नोएडा में 2 पॉइंट्स दिए थे, यहां तक पहुंचाइए, वहां जाने का परमिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अंदर। तो बसें खड़ी रही, आज भी खड़ी हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं इन पे, अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहां पे 4 बजे तक खड़ी हैं। आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन करना कर सकें। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर जिले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के, और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने, खास तौर से अपने प्रवासी भाई बहनों से जो इस संकट में हैं और जो पैदल चल के जा रहे हैं, कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपके साथ है। आप उत्तर प्रदेश के जिस जिले से, जिस शहर से गुजरेंगे, हमारे लोग आपको मिलेंगे, आपको खाना उपलब्ध करेंगे, आपके लिए पानी उपलब्ध करेंगे, आपकी कोई भी सुविधा की जरूरत हो वह उपलब्ध करेंगे। हमारी जो क्षमता है उससे हम पूरी तरह से आपको मदद करने की कोशिश करेंगे, और हम आपके साथ इस संकट में खड़े हैं। धन्यवाद।